हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर वंशी में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वेनम मूवी के बारे में और जानेंगे इस मूवी के कास्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, अवार्ड और सीक्वल के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेनम मूवी 2018 में आई हुई एक सुपर हीरो मूवी है। इस मूवी को रूबेन फ्लिक्सर ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी को लुडविग गोरेंस ने म्यूजिक दिया था और इस मूवी को कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल इंटरटेनमेंट, अराज प्रोडक्शंस, पास्कल पिक्चर्स और सोनी पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया था और इस मूवी को सोनी पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। अगर कास्ट की बात करें तो इस मूवी में हमें टॉम हार्डी, मिशेल विलियम्स, रिज अहमद, स्कॉट हैज, रिड स्कॉट जैसे एक्टर्स देखने को मिले थे। अब अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बजट था $115 मिलियन और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $856 मिलियन की कमाई की थी। अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो इस मूवी को बनाने में 855 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस मूवी ने 6371 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर इसकी आईएमडीबी रेटिंग चेक की जाए तो इस मूवी को 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब बात करते हैं इसके अवार्ड्स के बारे में। तो इस मूवी को टोटल 9 नॉमिनेशन मिले हैं और जिसमें से इस मूवी ने 3 अवार्ड्स को जीता है। अब अगर सीक्वल की बात करें तो वेनम लेट देयर बी कार्नेज के नाम से इस मूवी का एक सीक्वल आ चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।